राकेश शुक्ला जी, लेकिन जिस तरीके की ड्रबिंग एक तरीके से बीजेपी की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में होती हुई नजर आई थी, उसके बाद से अगर बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में यहां बिल्कुल बराबरी की टक्कर टीएमसी को देती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के आंकड़े में, तो ये तो बीजेपी ने एक बड़ी छलांग एक तरीके से लगाई है, दोबारा से अपनी सियासी जमीन पश्चिम बंगाल में मजबूत करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। निश्चित तौर पर जो आपके आंकड़े हैं 11-11 सीटों के, जिसमें 1% से 11 सीट और 3% से 11 सीट, यदि हम उस पर नजर डालें और ये सर्वे यदि सही साबित हुआ तो आप पाएंगे कि तृणमूल कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि 2019 के चुनाव में इन 11 सीटों में वो सीटें हैं जिसमें 2019 के चुनाव में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में 5-6% का फासला था, वो घट के 1-3% में आ गया है, जो आपके मतदान तक कुछ भी हो सकता है कि स्थितियों में पहुंच सकता है। तो ये उसमें कृष्णानगर सीट पहले भी 1999 में भारतीय जनता पार्टी के पास थी, फिर महुआ मोइत्रा वहाँ बड़े लंबे अनुपात में जीती, करीब 1-1.5 लाख वोटों से जीती थी। आसनसोल से भाजपा से बापुल सुप्रियो जीते, फिर 2019 में 6-6.5 लाख वोट उनको मिला था, 2022 में उसी सीट से सद्धन सिन्हा भी उतने ही वोट पाए, 6.5 लाख वोट, और भारतीय जनता पार्टी 3-3.5 के आसपास थी। अब जो दिखाया जा रहा कि आसनसोल सीट में 1-3% का अंतर है, मतलब एक बड़ी मार्जिन लेके भारतीय जनता पार्टी जा रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं फंसी हुई हैं। दुर्गापुर सीट 0.1% से जीती थी भारतीय जनता पार्टी और इस बार 1% का फासला है। आपने बताया बहरामपुर सीट में भाजपा कांग्रेस और लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस के बीच में आधे का अंतर है, 7 लाख वोट वो पाते हैं, 3 लाख वोट ये पाती है, और वो सीट फिर से कहते हैं कि वो फंसी हुई है। ये जो समीकरण सारा का सारा दिख रहा है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं 25 के आसपास ही जाएंगे, या तृणमूल जाएगी या भारतीय जनता पार्टी जाएगी। देखिए ना, तृणमूल की तरफ से हमारे साथ बादल देवनाथ जी जुड़ गए हैं। जी, अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को 35 सीट का टारगेट दिया है बंगाल में। ठीक है, बादल देवनाथ जी टीएमसी की तरफ से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, देर से ज्वाइन कर रहे हैं आप शो, बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर अभी तक जो चर्चा हुई है, बीजेपी की तरफ से प्रियंका टपरीवाल हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है जो हमने आंकड़ा दिखाया है उसमें बिल्कुल बराबरी की टक्कर 20 टीएमसी और 20 बीजेपी के खाते में जाते हुए, 2 कांग्रेस। लेकिन प्रियंका दावा कर रही है कि 20 से भी अगर आगे नंबर चला जाए बीजेपी का तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। तो मतलब टीएमसी ने जो गेन किया था विधानसभा चुनाव में, जिस तरीके की बड़ी जीत थी, वो 2021 के बाद अब 2024 आते आते गवा दी सब। प्रियंका को उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, मैडम मोदी जी यहाँ पर आया एक सभा में क्या बोला जानते हैं? 42 से 42 सीट चाहिए। उससे पहले अमित शाह होम मिनिस्टर, पार्टी के सेंट्रल गवर्नमेंट का सेकंड मिनिस्टर, उन्होंने क्या 35 सीट चाहिए उनको, 35 से 35। इस बार जब आया 3-4 दिन पहले, प्रियंका को मालूम नहीं है, उन्होंने खुद कहा एक सभा में अमित शाह जी 30 सीट चाहिए, 30 सीट मिलेगा कि मिलेगा बंगाल के बंगालों लोगों को बताओ तुम सब, 30 सीट चाहिए। तो आप प्रियंका बोल रहे 20 से 25, इनका जो लीडर है सर्वोत्तम जो लीडर मोदी जी है, मोदी जी को 42 चाहिए, अमित शाह को 30 से 35 चाहिए और प्रियंका को 20 से 25 चाहिए। और आपका जो सी वोटर जो एनालिस्ट किया बांग्ला में, एबीपी आनंद में दिखा रहा है, आप भी दिखा रहे, मैं आपको कह रहा हूँ बंगाल में 2011 से ममता दीदी ने जितना काम किया 10.5 करोड़ लोगों के लिए, घर घर में काम किया, बच्चे से बूढ़े तक, शादी से स्टूडेंट तक और कृषक बंधु, जितना काम जितना पैसा दिया लोगों के लिए, और इसके लिए बंगाल के लोग अभी भी चाहते हैं बांग्ला में ममता दीदी को चाहिए। और जो लेकिन जो बात आप कह रहे हैं अब उसके काउंटर में तो फिर ये कहा जाएगा ना कि ये दीदी का चुनाव थोड़ी है, ये तो मोदी का चुनाव है, ये तो लोकसभा चुनाव है, और इसी लोकसभा चुनाव में 2019 में यही बीजेपी 18 सीटें जीती थी ना, तो ऐसे में इस बार क्यों ना माना जाए कि बीजेपी और बेहतर करेगी, जबकि टीएमसी जो है वो संदेश खाली जैसे मुद्दों को लेकर बैकफुट पर है। इस पर मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।